हेलो गाइस, फाइनली आज की वीडियो में हम जा रहे हैं पे करने अपने जियो पोस्टपैड का बिल। आप जानते हैं कि मैंने जियो पोस्टपैड लिया था तो बहुत से लोगों को कमेंट आया था कि आखिर बिल कितना आ रहा है, तो फाइनली इस वीडियो में उसी के बारे में डिटेल्स बात करेंगे। मैं खुद एक बिल को पे करने वाला हूँ, तो वीडियो तो एंड तक देख रही है और चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे गैस जियो पोस्टपैड, जो कि यहाँ पे गैस मैंने जब लिया था तो उसके बाद से एक बिल तो ऑलरेडी आ चुका था, मैंने रील्स उसका बनाया था, लेकिन अब जाके सेकेंड बिल आया है जो कि इसका मेन बिल है। और ये जो बिल है गैस यहाँ पे ये कुछ ज्यादा ही आया है। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि 471 रुपए का बिल मेरा वन मंथ का आया है। हर मंथ के 23 को मेरा बिल जनरेट किया जाता है और इसका ड्यू डेट 6 अप्रैल तक रखा गया, तो उससे पहले मेरे को बिल पे करना था। तो फाइनली गाइस यहाँ पे मैं जा रहा हूँ बिल पे करने। तो गाइस यहाँ पे बिल पे करने के लिए मैं यूज करूंगा पेटीएम। सो गाइस यहाँ पे मैंने पेटीएम को ओपन कर लिया है। सिंपल से गाइस यहाँ पे मैं मोबाइल पोस्टपेड में जाता हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरा जो बिल है ये यहाँ पे दिख रहा है जियो नंबर पे, जिसका बिल ड्यू डेट 6 अप्रैल दिया गया है। सिंपल से मैं इस पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद ऑटोमेटिक पेमेंट आ जाएगा और सिंपल से मैं पे पे क्लिक करूंगा। और इसके बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं पे पे जैसे क्लिक करूंगा ये सक्सेसफुली हो जाएगा और मेरा बिल जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं गाइस यहां पे बिल पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और इसका यहां पे आईडी भी आ चुका है और आप इसे देख सकते हैं। तो गाइस यहां पे कुछ इस प्रकार से जियो पोस्टपेड का बिल पे किया जाता है और मेरा बिल इतना आया है एक महीने का, यानी कि मैंने कुछ ज्यादा ही डेटा को यूज किया। बहुत से मेरे फ्रेंड्स लोग आए थे, अपना फ्री फायर जो है उसे डाउनलोड किए हैं बहुत सारे फ्रेंड, तो इससे इतना बिल आया, लेकिन तब भी अच्छा है। और आई होप कि आपको पता भी चल गया होगा कि जियो पोस्टपेड का आखिर बिल कैसे पे किया जाता है और मैंने लाइव पे करके आपके सामने बताया, तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा। एंड गाइस यहाँ पे बस ये कुछ था इस वीडियो में, मैं जियो पोस्टपेड का बिल पे करके आपको बताना चाह रहा था। और अगर मैं बताऊं कि जियो पोस्टपेड मेरे लिए बेटर है कि नहीं, तो ये मेरे लिए बेटर है, सभी लोगों के लिए बेटर नहीं है। जिन लोगों को बिजनेस रिलेटेड काम है उनके लिए बेटर है, नेट भी अच्छा खासा ये देता है और काफी अच्छा इसका सर्वर भी रहता है। कभी कभी इंटरनेट फंसता है लेकिन फिर भी वो चलने लगता है, तो डेफिनेटली आपको लेना है तो ले लीजिए। और मेरा जो प्लान है वो आपको 399 रुपए का इसमें प्लान है जिससे मैं यूज कर रहा हूँ। सुबह से कुत्ता बीट में वीडियो पसंद है लाइक करिए, अपना एक प्रेस कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।